हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 और श्लोक नंबर है 103। इहा सुनि बले सर्वा सन्यासी गण तुमाके देखिए जे छे साक्षात नारायण। तुम्हारा वचन सुनि जुड़ाय श्रवण तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाई नयन। तो यहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती और उनके साथ हजारों सन्यासी जो उनके फॉलोअर्स हैं पर सबके सब मायावादी हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनके सामने बता रहे हैं कि वो हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हुए क्यों नृत्य करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र ही वो सार मंत्र है जिससे हर एक मनुष्य का जीवन का लक्ष्य सिद्ध हो सकता है और अत्यंत सरल तरीके से। तो यह इसका अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्र हुए। चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको समझाया तो मायावादी सन्यासी कुछ नम्र हुए, विनम्र हुए, और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया कि वे सचमुच नारायण हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी इतने सारे मायावादी सन्यासियों को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का जो तो योगेश्वर है, योग शक्तियाँ उनके अधीन है, तो उन्होंने अपने शरीर की उज्ज्वलता बढ़ा दी थी जिससे सारे सन्यासी बहुत प्रभावित हो गए थे। और यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं साक्षात नारायण है, आप ऐसे बोल रहे हैं। जनरली भी जब मायावादी सन्यासी एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को नारायण कहकर ही संबोधित करते हैं। जैसे वो कहते हैं ओम नमो नारायणाय, नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसे कहकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वो लोग जानते हैं कि जैसे नारायण है वो चार हाथों वाला है, वैकुंठ में है, पर भले ही वो नारायण की कि हम भी नारायण हैं, सब नारायण हैं, ऐसे विचारों से फुले रहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है वो बहुत सीमित है, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा कितना भी प्रयास करे वो परमात्मा नहीं बन सकता है। चूंकि मायावादी का दर्शन यह बतलाता है कि नारायण तथा सामान्य व्यक्ति समान स्तर पर होते हैं, तो इसलिए कभी कभी मायावादी लोग दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन नारायण कभी भी दरिद्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नारायण की सेवा हजारों हजारों लक्ष्मियां वैकुंठ जगत में करती है, जिन लक्ष्मी के पीछे पूरा भौतिक संसार पड़ा रहता है। वो लक्ष्मी किसकी सेवा करती है, किसकी पाद सेवनम करती है, चरण सेवा करती है, स्वयं नारायण की। तो दरिद्र नारायण करके कोई शब्द नहीं होता, लेकिन मायावादी लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम भी नारायण तुम भी नारायण। तो ये दरिद्र नारायण शब्द का आविष्कार श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे एक तथाकथित स्वामी ने किया था जिसे वेदांत दर्शन का कोई ज्ञान न था। इसीलिए भक्ति योग के अभ्यास के बिना अगर कोई वेदांत दर्शन का अध्ययन भी करे तो इससे वो भ्रमित ही रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों की तपस्या के कारण साक्षात नारायण के रूप में वो समझ पाए महाप्रभु को, इसके लिए समर्थ बनाया। क्योंकि भले ही वो मायावादी है पर वो सन्यासी है और एक कठोर नियम का पालन करते हैं, तो भगवान तो गुण देखते हैं ना सबके अंदर। जैसे पुतुना के अंदर गुण देखा कि ये माँ बनके मुझे दूध पिलाने आई है, तो इसी गुण के आधार पर उन्होंने उनको माता का जो है आसन प्रदान किया गोलक धाम में। तो मायावादियों में भी भगवान ने ये गुण देखा कि ये लोग तपस्या करते हैं, कठोर डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इसलिए उनको एक प्रकार से भगवान ने कृपा दिया, करुणा दिया, ताकि वो लोग चैतन्य महाप्रभु को नारायण के रूप में समझ पाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं नारायण हैं,
जो नारायण के भक्त रूप में प्रकट हुए हैं, और इस तरह मायावादी सन्यासियों ने उन्हें साक्षात नारायण और अपने आप को छद्म नारायण, गर्वित छद्म नारायण समझकर उनसे इस प्रकार कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो यह है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं। कृष्ण जो बोलते हैं तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ। चैतन्य महाप्रभु ने जब बोला तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, और सन्यासी आगे कहते हैं कि इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। भगवान से सुंदर कोई भी नहीं है। भगवान का हर एक अंग इतना सुंदर है कि एक अंग में नजर पड़ जाए तो उससे दूसरे अंग तक नजर भी नहीं हिला सकते हैं। जैसे कि सबरी ने भगवान के चरण देखा तो चरण से नजर ही नहीं हटा रहे थे, हटा पा रही थी, तो भगवान ने उनको उठाया, तब भगवान का मुख कमल देखा। बहुत मोहक है शारीरिक स्वरूप, तो आप समझ सकते कि चैतन्य महाप्रभु कितना अट्रैक्टिव थे। इसलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले और सबसे अधिक आकर्षक। बहुत संतोष का अनुभव कर रहे थे भगवान का दर्शन पाकर सन्यासीगण। तो क्योंकि जो सन्यासी लोग थे मायावादी थे, पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति उन्होंने थोड़ा सम्मान प्रदर्शित किया, और ऊपर से वो लोग धार्मिक थे और सन्यास के कठोर विधि विधानों को पालन करने वाले थे। एक भी व्यक्ति को डिसिप्लिन होना कितना मुश्किल है। हमें कहा जाता है ताड़ मध्य जीभा अति लोभमय सदुर्मति ताके जिता कठिन संसार है, तो जीभा सबसे लोभमय है। हम अगर बॉडी को सही रखना चाहते कि हम बीमार ना पड़े, भले कोई पतला हो, मोटा हो, छोटा हो, चाहे लंबा हो, लेकिन अपने बॉडी को पता है कि मुझे क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, कब मेरा पेट भर जाता है और कब मैं ओवर ईटिंग करता हूँ, फिर भी हम जीभा को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। तो इसीलिए कठोर विधि विधानों का पालन करते थे सन्यासीगण, तो वो लोग इंद्रिया संयम करते थे और ऊपर से वेदांत दर्शन का अध्ययन करते थे, कुछ कुछ ज्ञान हो गया था, और इसलिए महाप्रभु ने उन पर कृपा किया, और महाप्रभु की कृपा से ही वो लोग जान सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु छह ऐश्वर्य से युक्त स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इन ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है उनका सौंदर्य, जिस सौंदर्य से सब लोग प्रभावित हो चुके थे। मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय शारीरिक सौंदर्य से पहचान लिया था कि ये साक्षात नारायण है। श्लोक नंबर 105। तुमार प्रभावे सबार आनंदितवान, कभु असंगत नहे तुमार वचन, प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूपे कैल जहा श्री नारायण। तो सन्यासीगण कह रहे हैं कि हे महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यधिक संतुष्ट है और हमें विश्वास है कि आपके वचन कभी अनुपयुक्त नहीं होंगे, अतः आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें। तो चैतन्य महाप्रभु के वचनों पर उन्होंने क्या जताया, विश्वास जताया, तो इससे कृपा प्राप्त किया। जैसे कुरुक्षेत्र के रण में जो कौरव के पक्ष के भी जो लोग थे सेना, उन्होंने जब कृष्ण को उन्होंने ऐसे नहीं देखा, बहुत लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन जब कृष्ण युद्ध क्षेत्र में सारथी बनकर आए, वो सारथी रूप में है, फिर भी उनका इतना मोहक सौंदर्य देखकर सब लोग हैरान रह गए और तारीफ करने लगे कृष्ण के। तो इतने से छोटे से गुण के कारण उनके सारे पाप धूमिल हो गए और भगवत धाम गए अर्जुन के तीर से मारा जाकर। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सन्यासी लोग भगवान महाप्रभु के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं और विश्वास भी दर्शा रहे हैं। जैसे ये वाला श्लोक है, तुम्हारा प्रभाव सबार आनंदित मन, कभु असंगत न हे तुम्हारा वचन। असंगत मीन्स कभी भी आप बिना अर्थ की बात नहीं करेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आपके वचन
उपयुक्त होगा, अनुपयुक्त नहीं होगा। तो ये जो विश्वास भगवान पर हम जताते हैं तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि अब मैं शिष्यस्ते हम, मैं आपके शिष्य हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मुझे सही गलत बताइए, मैं वैसा ही करूँगा। तो कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो इसलिए अब जब उन्होंने इच्छा किया कि हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें, तो महाप्रभु से आग्रह किया कि आप कहें, बस यही हमें चाहिए, हमारे अंदर यही योग्यता चाहिए, यही क्वालिफिकेशन चाहिए कि हम कोई प्रामाणिक वैष्णव और जो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर तो साक्षात भगवान महाप्रभु है, उनके पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें भगवान के बारे में बताएं, क्योंकि वो सही से ही बता सकते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर का गीत जो है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उसे उल्लेख करते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग नहीं करता तब तक वो भक्ति को समझने के लिए प्रभावित नहीं हो सकता है। चरण रेणु का मतलब शुद्ध भक्त से हमें श्रवण करना पड़ेगा। शुद्ध भक्त जो प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही प्रैक्टिस करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो शुद्ध भक्त है। तो मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व के प्रति आश्वस्त थे, अतएव वेदांत दर्शन का तात्पर्य उनसे सुनना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेदांत सूत्र जो है वो ईश्वर वचन है, भगवान कृष्ण का, नारायण का, विष्णु का वचन है, और व्यासदेव के रूप में ही भगवान खुद आकर लिखित रूप दिया वेदांत दर्शन को, क्योंकि ये नारायण के द्वारा कहे गए वचन है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेदांत सूत्र जो वैदिक ज्ञान को समझने की विधियों को प्रकट करने वाले सूत्रों का संकलन है। किसके किन सूत्रों का संकलन है वेदांत सूत्र? कि वैदिक ज्ञान को समझने की विधियों को प्रकट करने वाले सूत्रों उसका जो है संकलन है, और वो वैदिक ज्ञान का संक्षिप्त रूप है। तो इसका शुभारंभ जो वेदांत सूत्र का पहला ही सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो मनुष्य योनि मिला है, अब तो ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में जिज्ञासा कीजिए। मनुष्य योनि परम सत्य के विषय में प्रश्न पूछने का समय होता है। तो मनुष्य जीवन विशिष्ट है, इसी उद्देश्य के लिए है, इसलिए वेदांत सूत्र संक्षेप में मानव उद्देश्य को बताते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है, और इसकी पुष्टि वायु पुराण और स्कंद पुराणों के वचनों से भी होती है। जो सूत्र की परिभाषा इन पुराणों ने इस प्रकार दिया है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तो भामानवद्यम च सूत्रम सूत्रा विदो विदुहु। सूत्र सुक्तियों का वो संकलन है जो सारे ज्ञान के सार को कम से कम शब्दों में व्यक्त करता है। तो यानी जो वेदों का ज्ञान है उसको कम से कम शब्दों में व्यक्त करते हैं, उनको बोलते हैं सूत्र। इसे सर्वत्र लागू होना चाहिए और भाषा की दृष्टि से त्रुटि रहित होना चाहिए। तो इन सूत्रों से परिचित किसी व्यक्ति को वेदांत सूत्र की जानकारी भी होनी चाहिए। और इसके अलावा और भी सूत्र है जो विद्वानों में निम्नलिखित बहुत सारे नाम प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि ब्रह्म सूत्र, शारीरिक, व्यास सूत्र, वादरायण सूत्र, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन। तो यानी इसमें जो है जो व्यास देव ने वेदांत सूत्र दिया, वैष्णवगण इसे फॉलो करते हैं। वेदांत सूत्र में चार अध्याय है और हर अध्याय में चार पार्ट है, चार अध्याय है सिर्फ, और चार अध्याय में चार चार भाग है हर अध्याय के अंदर। इसलिए वेदांत सूत्र को षोडश पाद अर्थात 16 विभागों वाला भी कहा जा सकता है। प्रत्येक पाद की विषय वस्तु पांच भिन्न भिन्न विषयों में पूर्णतः वर्णित है सारे विषय वस्तु, और ये पांच भिन्न भिन्न जो है विषय क्या है, पारिभाषिक दृष्टि से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन तथा निगमन कहा जाता है।
प्रत्येक विषय वस्तु की व्याख्या प्रतिज्ञा अथवा विषय के उद्देश्य की घोषणा के संदर्भ में की जाती है। अर्थात वेदांत सूत्र में चार अध्याय है, चार अध्याय में और चार चार भाग है, यानी टोटल हो गया 16। और हर भाग में पांच चीजों को नजर में रख कर एक्सप्लेन किया गया है ताकि सामने वाला जो है पूरा पूरा उसका लाभ उठा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल पांच भिन्न विषय में एक है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा क्या करते हैं, जो भी विषय में सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट लिया है उसके उद्देश्य की घोषणा करते हैं। और वेदांत सूत्र के प्रारंभ में जो प्रतिज्ञा दी गई है वो क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब मनुष्य ने मिला है, अब तो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो, कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करो, जिससे सूचित होता है कि इस ग्रंथ की रचना परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के साथ की गई थी। इसी प्रकार कारण बतलाना जाना चाहिए, उद्देश्य प्रतिज्ञा हो गया, फिर कारण, तो दूसरा विषय, दूसरा सब्जेक्ट क्या था, हेतु, हेतु को भी दिखाना चाहिए, और उसके अलावा हमेशा एग्जाम्पल देना चाहिए। तो ये वेदांत सूत्र में इसका विशेष ध्यान रखा गया है, चार अध्याय में चार 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 भाग है, तो 16 भागों में बहुत ध्यान, एक एक भाग में ध्यान दिया गया है कि तथ्यों पर आधारित उदाहरण से समझाया गया है, तो उसको बोलते उदाहरण। ये हो गया तीन सब्जेक्ट है ना, एक तो हो गया प्रतिज्ञा, फिर हेतु कारण, फिर तीसरा हो गया उदाहरण एग्जाम्पल, और चौथा है उपनय। उपनय मीन्स विषय वस्तु को क्रमशः समझने योग्य बनाना चाहिए, जिसे क्रमिक उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ताकि व्यक्ति समझ जाए। और अंत में है निगमन, यानी वैदिक शास्त्रों से प्रमाण देना चाहिए कि यहाँ पे ये लिखा गया, वहां पे ये लिखा गया। तो इस तरह से ये पूर्णता को प्राप्त हुआ है वेदांत सूत्र। वेद का जो अर्थ है वो ज्ञान, और अंत का अर्थ होता है सीमा या अंत। तो वेदांत का अर्थ होता है वेदों के चरम उद्देश्यों का समुचित ज्ञान, यानी जो वेदों का अल्टीमेट गोल है, चरम उद्देश्य, परम चरम लक्ष्य जो है। वेदांत सूत्र के सूत्र में दिए गए ऐसे ज्ञान की पुष्टि उपनिषदों द्वारा होनी चाहिए। तो विद्वानों के अनुसार ज्ञान के तीन उद्गम होते हैं, और ज्ञान के तीन उद्गम को कहा जाता है प्रस्थान त्रय। तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है तर्क, तर्क तथा युक्ति के आधार पर वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत करता है। जैसे भगवद गीता में 13वें अध्याय में 5वां श्लोक जो है उसमें बताया गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है, ब्रह्म सूत्र पदेच्छेव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। ब्रह्म सूत्र में कार्य और कारण संबंधी वैध तर्क तथा युक्ति द्वारा जीवन के चरम उद्देश्य की जानकारी निश्चित की गई है। तो इसलिए वेदांत सूत्र क्योंकि तर्क और युक्ति के साथ समझाते हैं, तो इसको कहा गया है न्याय प्रस्थान, न्याय है ना, युक्ति संगत होता है। और जो उपनिषद है उसको बोला गया है श्रुति प्रस्थान, और इस तरह गीता महाभारत तथा पुराण को कहा गया है स्मृति प्रस्थान। तो अध्यात्म संबंधी जो है ये कुछ ज्ञान है, जिसको ज्ञान को ही तीन में डिवाइड किया गया है, न्याय श्रुति और स्मृति। न्याय में आएगा क्या, वेदांत सूत्र, श्रुति में उपनिषद, और स्मृति में भगवद गीता महाभारत और पुराण। चैतन्य महाप्रभु ये घोषित करते हैं कि चूंकि वेदांत सूत्र का संकलन श्रील व्यासदेव द्वारा किया गया, इसलिए वो नारायण के स्वास से प्रकट हुआ समझा जा सकता है, क्योंकि वेद व्यास जो है वो भगवान नारायण के ही अवतार थे। तो वेदांत सूत्र में जो चार अध्याय है वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो उसके जो पहले दो अध्याय है उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ जीवात्माओं की यानी हमारी क्या संबंध है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, व्याख्या किया गया है, और इस ज्ञान को कहा जाता है संबंध ज्ञान। ये दो अध्याय में संबंध ज्ञान के बारे में बताया गया है वेदांत सूत्र में। अब तीसरे अध्याय में ये बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के संबंध में जीव किस प्रकार कर्म कर सकता है, अर्थात क्या प्रोसेस है हम कृष्ण भगवान को प्राप्त करें, किस प्रकार कर्म करें, किस प्रकार कर्म करने से हमें आत्यंतिक लाभ होगा, तो उसको कहा गया है अभिधेय। तो पहला दो चैप्टर संबंध, फिर
तीसरा चैप्टर अभिधेय ज्ञान, और जो चैतन्य महाप्रभु ने संबंध ज्ञान के बारे में जो हमें बताया है वो इस तरह से कहा है, जिबेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो भगवान के दास होते हैं हर जीवात्मा, ये संबंध है। जब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे हृदय में कोई दुख नहीं रहेगा। ये बात बोलते भी है भक्ति विनोद ठाकुर अपने सॉन्ग में, जीव कृष्ण दासे विश्वास कर ले तो आर दुख नाय, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। जीव कृष्ण का दास है, ये विश्वास कर ले जीवात्मा तो कोई दुख नहीं होगा उसके मन में। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 20.10 श्लोक में है कि जिबेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये संबंध है भगवान के साथ। इसलिए उस संबंध में कर्म करने के लिए मनुष्य को साधन भक्ति करनी चाहिए, जो नियम है उसके पालन करना चाहिए, 16 माला श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, हरे नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत मीठा है लेकिन क्योंकि जीवात्मा पीलिया से ग्रस्त है तो मिश्री भी कड़वा लगता है, तो इसलिए हरिनाम जप करना कड़वा लगता है कि रोज ही 16 माला करना है, हो सकता है ऐसा लगे और माला करते समय भी मन ना लगे माला में, तो ये बहुत आम बात है भौतिक जगत में। लेकिन जो विशेष बात है, जिनका मन लग जाता है, जिसको ये हरिनाम का मधुरता पता चल जाता है, वो विशेष व्यक्ति है। तो इसलिए साधन भक्ति करते रहना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के लिए नियत कर्तव्य भी करते रहना चाहिए, इसको अभिधेय ज्ञान कहा जाता है। तो वेदांत सूत्र में 4 अध्याय में, 2 अध्याय में संबंध ज्ञान, 3 अध्याय में अभिधेय ज्ञान और 4 अध्याय में यानी 4 अध्याय में प्रयोजन ज्ञान दिया गया है, यानी हमारे जो भक्ति के परिणाम है, फल है, हमारा जो परम चरम लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इस प्रकार जीवन का चरम लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है। तो नारायण के 27 अवतार हैं वेदव्यास जी, और अपने गुरु नारद के ही आज्ञा के अनुसार फिर बाद में वो वेदांत सूत्र की तो रचना करते ही हैं, और उसके बाद इसका मौलिक भाष्य श्रीमद् भागवत के रूप में लिखते हैं। जैसे एक बहुत मेच्योर्ड राइटर सबसे लास्ट में एक बहुत बढ़िया बुक देते हैं, वैसे ही सबसे लास्ट में भागवत महापुराण लिखते हैं और उसमें सारा भागवत जो है रसों से परिपूर्ण है, कृष्ण के बारे में है, तो इसलिए इसमें कोई भी व्यक्ति भक्ति रस में डूब सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि की कि विष्णु भक्ति के आधार पर वैष्णव आचार्यों द्वारा लिखे गए भाष्य ही वेदांत सूत्र की वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव आचार्यों के द्वारा लिखा गया वेदांत भाष्य ही वेदांत सूत्र की वास्तविक जो है व्याख्या है, शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य नहीं है। 107 श्लोक, 107 और 108 श्लोक पढ़ के आज हम अपना क्लास समाप्त करेंगे। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पातव, ईश्वरीर वाक्य नही दोष एषव, उपनिषद सहित सूत्र कहे जी तत्व, मुख्य वृत्ति से अर्थ परम महत्व। तो ये सब जो है फिलोसॉफिकल है बहुत। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों इतना फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि सामने कौन है, वो मायावादी है जो वेद उपनिषद वेदांत इसका अध्ययन करते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कृष्ण का डायरेक्ट भक्ति नहीं करते। तो कहते हैं महाप्रभु, भगवान के शब्दों में त्रुटि, मोह, प्रवंचना तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। त्रुटि क्या होता है? त्रुटि का मतलब होता है कि किसी वस्तु को एज इट इज स्वीकार करने के बदले जो है ऐसे समझना कि ये जैसे सांप है, सांप के ऊपर पाव रख दिया सोचा रस्सी है, या रस्सी के ऊपर पाव रख दिया तो सांप है, तो जो जैसा है वैसा नहीं समझना को बोलते हैं त्रुटि। ऐसे कोई चमकती हुई वस्तु है तो उसको सोना मान लेना, ये भी त्रुटि है।
और इस समय जो है जब और इसी तरह से जब हम श्रवण करने में असावधान हो जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, तो उसको उस गलत ज्ञान को मोह कहा जाता है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष ये है कि उनकी सारी इंद्रियां अपूर्ण है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि आंखों में देखने की शक्ति तो है पर दूर की चीजें हम नहीं देख सकते। हमें सूर्य पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, हमें लाइट्स चाहिए, अग्नि चाहिए देखने के लिए। अंधेरा है तो हम नहीं देख सकते। अपने ही घर में जो रोज रह रहे हैं 20-25 साल से, उस घर में भी हम उठ के इधर उधर अंधेरे में आसानी से नहीं जा सकते। तो आंखें अपूर्ण है, यहाँ तक कि हम जब सूर्य को देखते हैं तो भी ऐसा लगता है इतना छोटा सा है, या चंद्र को इतना छोटा सा है, तो अपूर्णता है इसलिए। और जब पीलिया रोग होता है तो सब चीज पीला पीला दिखता है। तो इसलिए अपूर्ण आंखों द्वारा जो ज्ञान हम लेते हैं उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसी तरह कान भी अपूर्ण होते हैं। कान में हमें कुछ ध्वनि तो हमें सुनाई देते हैं, कुछ ध्वनि हम सुन नहीं पाते, दूर की आवाज हम सुन नहीं पाते, टेलीफोन लगाना पड़ता है। तो इसलिए सारे इंद्रियां जो है अपूर्ण है। जैसे कि जीभा, जीभा एज इट इज आपको ज्ञान नहीं देंगे। अगर आपने आंवला खा लिया और आंवला के ऊपर पानी ले पी लिया तो आपको मीठा लगेगा, है ना। कि आपने बहुत मीठा खा लिया और उसके बाद कुछ शरबत पी लिया मीठा तो आपको फीका लगेगा। तो इस तरह से अपूर्ण है। तो इसलिए इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है। वैदिक विधि क्या बोलते हैं, वैदिक साइंस की अधिकारी विद्वान महाजन जो कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, जो गुरु है, उन्हीं से सुनना चाहिए। और हमारे परंपरा जो है उसी में हमें श्रवण करना चाहिए। तो भगवान भगवद गीता में 4.2 जो श्लोक है उसमें कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया है और राजर्षियों ने इसे यथारूप समझा। तो पद्म पुराण में साफ बताया गया है चार परंपरा, जो ब्रह्मा, लक्ष्मी, भगवान शिव जी और ब्रह्मा के चार पुत्र कुमार गणों से स्टार्ट हुआ है। तो ये शिष्य परंपरा बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए जिसको कृष्ण के बारे में यथारूप ज्ञान है। 108 श्लोक में बताया गया है कि परम सत्य का वर्णन तो उपनिषदों तथा ब्रह्म सूत्र में किया गया है और इनके श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे दिया गया है शास्त्र को हमें ऐसे समझना चाहिए। अगर हम गलत लोगों से पास जाएंगे तो गलत सलत व्याख्या करेगा तो हम गलत तरीके से समझेंगे, जो हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए वैष्णव जो प्रामाणिक व्यक्ति है उनसे ही हमें श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि यद्यपि वास्तविक ज्ञान को बदल पाना संभव नहीं है, फिर भी वैदिक ज्ञान को मनमाने ढंग से समझने का चलन चल पड़ा है। आजकल ये फैशन है, मनमाने ढंग से वेद उठा लिया, पुराण उठा लिया, पढ़ेंगे समझेंगे, किसी जो है प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र समेत अन्य वैदिक साहित्य को, चाहे वो श्रुति हो या स्मृति या न्याय, उनके मूल कथनों के अनुसार समझना चाहिए। न्याय है वेदांत सूत्र, श्रुति है उपनिषद और स्मृति है पुराण। तो इनको मूल कथन जो जैसा भगवान ने दिया है वैसा ही समझना चाहिए। तो वैदिक साहित्य के सीधे अर्थ का वर्णन करना महिमाशाली है, किंतु उसका वर्णन अपने खुद के अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर करेंगे तो भयावह त्रुटि होगा, वो सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी गए, पुराण उठा लिया, वेद उठा लिया, हम खुद ही पढ़ेंगे जी, ऐसे समझ नहीं पाएंगे वो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदों की ऐसी व्याख्या के प्रयास की निंदा की है, महाप्रभु स्वयं कृष्ण ने निंदा की है इस बात की। तो 108 उपनिषद है टोटल, प्रभुपाद ने यहाँ 108 उपनिषद का लिस्ट भी दिया है और हम उपनिषदों का उच्चारण भी करेंगे और इससे हमें आशीर्वाद मिलता है। जैसे भक्तों का जब हम नाम का भी स्मरण करते हैं तो भी हमें लाभ मिलता है। तो एक्चुअली उपनिषदों में 11 उपनिषदों को श्रेष्ठ माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। तो इसमें 11 उपनिषद में ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडविक्य, तृतीय, ऐतरेय, चांदोग्य, बृहदारण्यक तथा स्वतःश्रुतिर उपनिषद। और इन उपनिषद के बहुत सारे एग्जाम्पल जो है या रेफरेंस प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में दिया है
और इन सभी उपनिषदों में, एकस्वात उपनिषद में जो 11 उपनिषद सर्वोपरि माना गया है, उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ईशोपनिषद को। इसलिए आपने देखा होगा कि श्रील प्रभुपाद ने ईशोपनिषद का जरूर तात्पर्य हमें देकर गए हैं। तो मुक्ति को उपनिषद के श्लोक 30-39 में एकस्वात उपनिषद का वर्णन है। तो इसका हम बस नाम पढ़ेंगे और आज की कथा का यहीं पे समापन करेंगे। एकस्वात उपनिषद क्या क्या है? ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तृतीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, चांडोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, कैबल्योपनिषद, जाबालोपनिषद, श्वेताश्वेतोरोपनिषद, हंसोपनिषद, आरुणेयोपनिषद, गर्भोपनिषद, नारायणोपनिषद, परमहंसोपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, शिरोपनिषद, अथर्व शिखोपनिषद, मैत्रायण्योपनिषद, कौशितक्योपनिषद, बृहज्जा बालोपनिषद, नृसिंहतापनियोपनिषद, कालाग्नि रुद्रोपनिषद, मैत्रेयोपनिषद, सुबालोपनिषद, क्षुरीकोपनिषद, मंत्रिकोपनिषद, सर्वसारोपनिषद, निरालंबोपनिषद, शुकरहस्योपनिषद, वज्रसुचिकोपनिषद, तेजोबिंदुपनिषद, नादबिंदुपनिषद, ध्यानबिंदुपनिषद, ब्रह्मविद्योपनिषद, योगतत्वोपनिषद, आत्मबोधोपनिषद, नारद परिब्राजक उपनिषद, त्रिशिक्षुपनिषद, सितोपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, निर्वाणोपनिषद, मंडल ब्राह्मणोपनिषद, दक्षिणामूर्ति उपनिषद, शरभोपनिषद, स्कंदोपनिषद, महानारायणोपनिषद, अद्वैतारोकोपनिषद, राम रहस्योपनिषद, रामतापन्योपनिषद, वासुदेवोपनिषद, मुद्गलोपनिषद, चांदिल्योपनिषद, पेंगलोपनिषद, भिक्षुपनिषद, महदुपनिषद, शारीरकोपनिषद, योगशिखोपनिषद, तुरीयातीतोपनिषद, संन्यासोपनिषद, परमहंस परिब्राजकोपनिषद, मालिकोपनिषद, अव्यक्तोपनिषद, एकाक्षरोपनिषद, पूर्णोपनिषद, सूर्योपनिषद, अक्षुपनिषद, अध्यात्मोपनिषद, कुंडिकोपनिषद, सावित्रोपनिषद, आत्मोपनिषद, पाशुपतोपनिषद, परम ब्रह्मोपनिषद, अवधूत उपनिषद, त्रिपुरातपनिषद, त्रिपुरातपनोपनिषद, देव्योपनिषद, त्रिपुरोपनिषद, कठरुद्रोपनिषद, भावनोपनिषद, हृदयोपनिषद, योगकुंडलिन्युपनिषद, भस्मोपनिषद, रुद्राक्षोपनिषद, गणोपनिषद, दर्शनोपनिषद, तारसारोपनिषद, महावाक्योपनिषद, पंचब्रह्मोपनिषद, प्राणाग्निहोत्रोपनिषद, गोपालतापनोपनिषद, कृष्णोपनिषद, याज्ञवल्कोपनिषद, वराहोपनिषद, शात्यायनी उपनिषद, हयग्रीवोपनिषद, दत्तात्रेयोपनिषद, गारुडोपनिषद, कलियुगसंतरणोपनिषद, जाबल्योपनिषद, सौभाग्योपनिषद, सरस्वतीरहस्योपनिषद, ब्रह्मचोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद। इस प्रकार एकस्वात उपनिषद है। और इसी के साथ आज की कथा का हम ये समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।